अगर आप क्वेश्चन नंबर 13 में देखो तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दो चीजें निकालने को बोला होता कि आपको रेशो भी निकालना है और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। जब क्वेश्चन नंबर 14 में देखो जो मैंने आप लोगों को पूरा समझाया है उसमें कंक्लूजन में आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसमें आपको बस एक काम ही करना है, बस उस काम को अपना दो दफा करना है। सबसे पहले पॉइंट ए के लिए करोगे कि ऑर्डिनेट को कंपेयर करवा के वैल्यूज निकालोगे रेशो की, और बी के लिए आप कंपेयर करवाओगे एप्सिसा को और वैल्यू निकालोगे रेशो की। ठीक है, तो इसमें आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन नंबर 13 में वो एक्स्ट्रा काम करना पड़ा था। और जो क्वेश्चन नंबर 14 में करोगे एग्जैक्ट काम आपको क्वेश्चन नंबर 22 एक्सरसाइज 2.2 के अंदर भी यही करना पड़ेगा। बच्चों इस तरीके से मेरी लाइव क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस मैं लेता हूँ मैथ की, सेकेंड ईयर और ई कैट के कोर्स चल रहे हैं। ये मेरा छोटा सा सेटअप है, मोबाइल और एक लैपटॉप जिसपे जूम की मीटिंग रिकॉर्ड होती है, बाकी बोर्ड मार्कर दैट्स इट। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर लो।